गुड मॉर्निंग साथियों, चलिए शुरू करते हैं जो वीडियो सॉल्यूशन है क्वेश्चन ऑफ द डे का। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 6 तारीख से लेके 11 तारीख के सभी प्रश्नों को लेकर आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो लास्ट संडे टू हम सैटरडे तक के सारे क्वेश्चंस लेके आपके साथ जुड़ गए हैं, और अगले संडे से फिर सैटरडे तक के आगे वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो भाई, आप सभी का बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स मिल रहा है और बढ़िया से सभी लोग अपने क्वेश्चंस मुझ तक आंसर अपने पहुंचा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ अब जुड़ जाइए और मैं आपको सिखाऊंगा क्या इसके सही आंसर्स बने थे और इन पे क्या बहुत शानदार शॉर्टकट्स और मेथड्स लगाए जा सकते थे। तो अब सारी चीज़ों की चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से आप यदि पहली बार आ चुके हैं मेरे चैनल पर, भैया पेन पेपर उठा लीजिए जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, और एक बार जल्दी से क्रॉस चेक कर लीजिए सारे क्वेश्चंस। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं और बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस देखना है। तो भाई, 6 तारीख का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था जो कि एक मेंसुरेशन चैप्टर को बिलोंग करता है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम मेंसुरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बस इतनी सी बात बोली है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। भैया क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, ऐसी मतलब शेप जो आपके पास 3D है, पहली कंडीशन, और रेक्टेंगल के 3D फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। तो ये बॉक्स आपके पास जो है वो क्यूबॉइडल है, राइट, क्यूब के समान नहीं है, घन नहीं है, घनाभ है, हिंदी वाले बच्चे इसको घनाभ बोलते हैं, ठीक है, जिसका रेशो आपको दे रखा है। तो आप मुझे बताओ लेंथ विड्थ और हाइट का यदि रेशो उसने दे रखा है 4:3:2, ये रेशो है भाई, ये सारे नंबर का रेशो दे रखा है। अब यदि ये रेशो है तो भाई मेरे एक बात समझ लो, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ओके। फिर आगे चलते हैं, एंड इट्स होल सरफेस एरिया इज व्हाट 8788, ये आपके पास होल सरफेस एरिया दे रखा है। तो एक बात मैं थोड़ा सा यदि कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास करूं, तो जैसे मान लो आपके पास ये एक क्यूबॉइडल मैं शेप बना रहा हूं, कोशिश करना चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करने का, अंडरस्टैंड करने का। मान लो आपके पास ये एक शेप है, अब इसमें देखो यार आपके पास लेंथ भी है, इसको एल दे दें लेंथ, ये ब्रेथ है और ये आपके पास हाइट है, राइट, ये तीन अपने अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो हमारे पास इसका एरिया टोटल सरफेस एरिया क्या कहलाता है, तो आप ध्यान रखें ट्वाइस लेंथ विड्थ प्लस विड्थ हाइट प्लस, और देखो बस आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है, लेंथ विड्थ हो गई, विड्थ हाइट हो गई, अब एक और कॉम्बिनेशन हमारे पास बचा है लेंथ और हाइट का, तो अब लेंथ और हाइट का कॉम्बिनेशन और लगा देते हैं। ये रिलेशन हमारे क्वेश्चन ने दे रखा है कितना 8788, यहाँ तक मेरे को लगता है सारी बातें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि ये बात हमारे क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमें गिवन दे रखी है। आगे चलते हैं, अब इसके बाद यदि हम लेंथ विड्थ, तो हम ऐसे समझ लें कि ये नंबर एक बार इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 × 2 = 12 हो जाएगा। तो भाई सभी के पास आपको पता है x होता है, यहाँ बाय डिफॉल्ट सबके पास x होगा क्योंकि यूनिट वैल्यू है। तो 4 × 12 तो हम बोल सकते हैं ये 12x² है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो 3 × 6 तो ये हो जाएगा 6x² प्लस, और पहले आखिरी कर लो तो 4 × 8 इसको लिख सकते हैं 8x². अब एक काम करो, इस नंबर को 2 से सिंप्लीफाई कर लो, इस नंबर को 2 से सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 4394 आपके पास ये वैल्यू बनने लग रही है। अब मेरे पास एक बात सुनो यार, अब मेरे पास सबको ऐड करने का तरीका है, तो 12 + 8 कितने हो गए, तो 12 + 8 20 हो गए, 6 और जोड़ दें तो 26, इसका मतलब 26x² की वैल्यू भाई 4343 और 94 के इक्वल है। तो क्या हम x² = निकाल सकते हैं, तो इस नंबर को जब इससे काटेंगे तो भाई 169 मिलेगा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास 13 आ गई। मुझे लगता है यहाँ तक की सारी कहानी सभी को क्लियर होगी, कोई बात दबी तो नहीं, बिल्कुल सारी चीज़ दिख रही है आपको। अच्छा अब एक बात सुन लो, ये x की वैल्यू आई है, मेरे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वॉल्यूम। भाई आप ध्यान रखो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये एक वॉल्यूम कहलाता है। तो मेरे भाई इन सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन, इन सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन और x का मल्टीप्लीकेशन, तो x³ बनेगा। तो मैं सीधा मल्टीप्लीकेशन लिखना हूँ, 4 × 12 और 12 × 2 = 24, इसका मतलब यहाँ लिख सकता हूँ मैं 24x³, और मेरे भाई 24 तो एज इट इज, x³ मतलब 13 का क्यूब। तो भाई 13 का क्यूब होता कितना है, यदि याद होगा तो आप सारी चीज़ें आसानी से लिख लेंगे। अब मुझे बताओ 24 × 2197, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 52728,
दैट विल बी द राइट आंसर। देखा जाए तो भाई कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है इस क्वेश्चन को देखा जाए, और ऑप्शन देख लो भाई ऑप्शन कौन सा मैच करने लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर वन ही मैच करना चाहिए, ऑप्शन नंबर वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो मुझे लगता है ये सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था भाई। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा आप लगाएंगे, और एक बार यदि फिर से यदि नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। दो बार वीडियो को देखना, यदि नहीं भी आया होगा समझ में तो 100% समझ आ जाएगा बात, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि समय की बहुत कमी है, राइट। हम शॉर्ट एंड स्वीट में सारी चीज़ें समझाना चाहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके पास ज्योमेट्री से आया, कहाँ से आया भाई, ज्योमेट्री से आपके पास क्वेश्चन आया है। अब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो भाई इसमें थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकल फिगर हमको बना लेना चाहिए, तो आइए ज्योमेट्री का फिगर हम आपके सामने बना देते हैं। तो चलो भाई ज्योमेट्री के शेप हम ड्रॉ कर देते हैं आपके सामने, एक मिनट मैं ज्योमेट्री का एक शेप ले लूँ। ट्रायंगल बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे क्वेश्चन ने ट्रायंगल बोला है, तो आइए पहले हम ट्रायंगल बना दें। ये लो भाई ये आपके सामने एक ट्रायंगल मैंने बहुत अच्छे से शो कर दिया है, राइट। अच्छा अब सुनो इस ट्रायंगल की कहानी क्या, देखिए भाई कहानी कुछ ऐसे बयां की गई है कि हमारे पास इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डाले गए हैं। क्या डाले गए हैं, एल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। तो ए बी सी ट्रायंगल है, मान लो ये ए है, ये बी है, और इसको मैं सी ले लेता हूँ, ध्यान सुनना। अब उसने बोला है 20 ए डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ से ड्रॉ कर लो और इसको यहाँ से ड्रॉ कर लो, ऐसे कुछ कहानी मिल जाएगी आपके पास। सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं एक बार इसको करेक्ट कर देता हूँ, चलो नो प्रॉब्लम, इसको ऐसे अपन लोग यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है, समझना बस चीज़ें। अब सुनो यार ये एल्टीट्यूड्स हैं, इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा, इतनी बार सबको क्लियर है। अब आपको एक प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्टीट्यूड अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब का जो केंद्र बिंदु है, राइट, मिलन बिंदु जो आपके पास है वो आपके पास क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना ऑर्थो सेंटर आपके पास कहलाता है। तो ये जो ओ आपके पास ये बन रहा है, ये ओ इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, व्हाट वी कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। अब भैया लैंग्वेज को थोड़ा समझना, राइट, ज्यादा डिटेल में ना जाके। अच्छा आगे चलो, तो मेरे क्वेश्चन ने कुछ डेटा दे रखा है मुझे, मैं उस डेटा को यहाँ पे कोशिश करता हूँ लाइनअप करने का। क्या क्या दे रखा है, तो अब पहले नाम कर ले, ए के साथ क्या दे रखा है, डी, तो यहाँ डी लिख दिया। बी के साथ क्या है भाई, ई, तो यहाँ ई लिख दिया। सी के साथ एफ है, तो यहाँ एफ लिख दिया। चलो अब एक प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए, ऑर्थो सेंटर की एक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सॉरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भाई ए ओ इंटू ओ डी, मतलब ए से ओ, ओ से डी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये बराबर होता है दूसरी वाली भुजा, तो भाई हम ले लेते हैं बी ओ इंटू ओ ई, इसके बराबर होती है। ऐसे आपको ये चीज़ ध्यान रखना, ये तीनों आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना पड़ेगी। अच्छा अब आगे चलो, तो इस प्रॉपर्टी में हम क्यों ना वैल्यू डाल दें, क्योंकि हमें ए से लेके ओ तक की वैल्यू पता है 9 है, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब ओ से डी कितना है, तो आपको ए डी दे रखा है, ए डी 12 है। भाई मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ 12 है, और यहाँ पे 9 है, तो भाई ये 3 बचेगी, इसका मतलब ये ओ डी 3 हो गया। अच्छा आगे चलो, फिर आपको बी ओ 6 दे रखा है, तो बी ओ आपके पास 6 है, और क्या पूछा है भाई, उसने पूछा है बी ई वैल्यू क्या होगी। सुनो ध्यान से, बी का मतलब कहाँ है, ये बी है, ये ओ है, मतलब ये आपके पास 6 है, और आपको ओ ई मतलब ये नहीं पता, ये नहीं पता। चलो एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो। अब ज़रा इस नंबर को सॉल्व कर लो, इस नंबर को सॉल्व कर लो, तो क्या ये बात आपके पास 4.5 बनेगी। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 4.5, और एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब आपके पास है ओ ई। लेकिन मेरे क्वेश्चन ने क्या पूछा था मेरे दोस्त, मेरे क्वेश्चन ने बोला है बी ई की लेंथ बताओ। तो मेरे भाई बी ई बराबर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बी ई बराबर ऐसे लिख सकते हैं बी ओ प्लस बी ओ प्लस ओ ई। अब बी ओ तुम्हें बहुत अच्छे से पता है 6 ऑलरेडी है, और ये 4.5 आ गया, तो भाई 6, 4, 10 साढ़े दस आपके पास ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, दिख रहा है ना भाई, कोई दिक्कत छुप तो नहीं रही, हाँ सारी चीज़ बिल्कुल पिक्चर में वीडियो में दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं जा रही है। तो आपने इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से, बड़े शानदार तरीके से आपने चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आई भाई किसी को, मुझे लगता है दोनों प्रश्नों के आंसर आप सभी ने बिल्कुल सटीक तरीके से आंसर लगाए होंगे। चलो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन 8 तारीख का क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 8 तारीख का क्वेश्चन क्या था भाई, उसको जरा ध्यान से समझ लो।
अब 8 तारीख का क्वेश्चन एक छोटा सा शायद मुझे लग रहा प्रॉफिट लॉस, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। मेरे क्वेश्चन ने बोला है जो आरओसी है उसने परचेस किया है ओल्ड होंडा एक्टिवा, ठीक है भाई कितने हज़ार की, 60,000 की। अब खरीदी है तो हम इसको सीपी बोल सकते हैं, भाई ये 60,000 है, ओके। फिर बोल रहा है स्पेंड सम अमाउंट ऑन मेंटेनेंस, मतलब इस पर कुछ रुपये और उसने लगा दिया, मतलब अल्टीमेटली सीपी में काउंट होगा। अच्छा अब इस लड़की ने इस आर्टिकल को बेच दिया, कितने में बेच दिया, 85,000 में, 85,000 में इसको बेच दिया, ठीक है भाई। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में उसने 25% का फ़ायदा उठा लिया, ये बड़ी सुंदर सी बात है, ये बहुत सुंदर सी बात उसने दे रखी है। देखो भाई मुझे बताओ 25% का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट है तो 25% का यदि मैं फ्रैक्शन लिखूं तो 1/4 होता है। अब थोड़ी देर फ्रैक्शन पे काम करते हैं। यदि मैं सीपी और एसपी का रिलेशन निकालने का प्रयास करूं, ध्यान सुनना बच्चे, यदि सीपी एसपी का रिलेशन निकालूं तो यदि मैं 4 रुपये यदि कॉस्ट प्राइस रखता हूं तो 25% प्रॉफिट लगाने के बाद आर्टिकल कितने में जाएगा, 5 रुपये में जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है भाई ये 5 में नहीं 85,000 रुपये में गया, कितने में गया, 85,000 रुपये में गया। तो मुझे बताओ 5 का कितना मल्टीपल ये है, तो 17 × 5 = 85 होता है, इसका मतलब 17,000 गुना आपके पास ये वैल्यू मान के चलते हैं। तो भाई 4 यूनिट को यदि 17,000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17,000 गुना करेंगे तो 17 × 4 = 68 होता है, इसका मतलब 68,000 आपके पास ये वैल्यू बनना चाहिए। अब मेरे भाई एक चीज़ बताओ, लेकिन इसने एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, इसने एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस 60,000 है, तो भाई 8,000 ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 8,000, इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 8,000। कोई चीज़ दब रही हो तो भैया देख लेना एक बार, है ना, बाकी मैंने सब कुछ बिल्कुल ओपन दिख रहा है, मैं एक बार ये फुटर हटा देता हूँ, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हूँ। तो भाई ये 6800 बनेगा, ठीक है ये बात ध्यान रखना। चलो वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर 3 था, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मुझे लगता है यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप सभी ने बहुत शानदार तरीके से बनाए होंगे। एक बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन दिखने वाला है लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है द एवरेज एज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप वॉज कैलकुलेटेड 36, मतलब एक नंबर ऑफ पर्सन का ग्रुप है, उनकी एजेस नहीं पता लेकिन एवरेज की बात करें तो 36 ईयर्स है। मान के चलो सुनो ये नंबर ऑफ पर्सन है, हमें नहीं पता कितने हैं, मान लिया एक्स पर्सन है, इनकी टोटल एज 36 मानी गई है, राइट। अब बोल रहे हैं विच इज 4 इयर्स मोर, जो कि 4 साल ज्यादा है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि पहले यदि हम बात करें, यही पर्सन यदि पहले एक्स पर्सन थे और पहले इनकी एज कितनी रही होगी, तो इनकी एज पहले भैया 4 कम रही होगी, क्योंकि 4 36 ज्यादा है, तो इसको घटा दो तो 32 बचा। यही बात बनेगी कि नहीं बनेगी, इतनी बात मुझे बताओ। ये हमारे पास पहले की कहानी है, ये पहले की कहानी है, और ये आपके पास वर्तमान की कहानी है, प्रेजेंट की कहानी है, ये आपको सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। आगे चलो, इनमें दो एजेस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ किया गया, हेर फेर किया गया वहां से, तो आइए देखिए एरर को देखते हैं। तो एरर क्या देने लग रही है, तो भाई करेक्ट एज देन द करेंट एज ऑफ द वॉज एरर रिकॉर्डिंग एज द एज 2 पर्सन ऑफ, ओके, 2 पर्सन की एज आपने गलत काउंट करिए, क्या क्या काउंट करिए भाई, तो हम गलती पहले यहाँ लिख लेते हैं। एक को लिखा हमने 40 साल 3 महीने, ठीक है भाई साहब, फिर दूसरे को हमने लिखा 33 साल और ये 5 महीने वाला व्यक्ति था, इनको हमने गलती से ये लिख लिया, जबकि इसकी बजाय हमें सही क्या लिखना था, सही क्या लिखना था, तो भाई इंस्टेंट ऑफ लिखा ना, ये इंस्टेंट ऑफ, ये पॉइंट्स होते हैं जो आपको पकड़ना होते हैं क्वेश्चन में। ये कितना है, 28 साल 9 महीने, 28 साल 9 महीने। उसके बाद दूसरा पर्सन कितना है, 20 साल और 11 महीने आपके पास ये वैल्यू दे रखी है। यहाँ तक मुझे लगता है दोनों बातें मैंने जो लिखी हैं अभी तक वो चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक बात समझ लो यार, एक बात समझ लो, क्या सर, आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे यदि हम इन दोनों का एज कैलकुलेट करेंगे, यदि हम इन दोनों का एज कैलकुलेट करेंगे, मैं मार्कर येलो ले लेता हूँ, यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चे तो कितना होगा, तो देखना यार, ये 5 और 3 = 8, 8 महीने तो ये पूरे पूरे हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इनको जोड़ो तो 4 × 3 = 73 साल हो गए, तो भाई ये जो एडिशन है वो 73 साल 8 महीने हो गया। अच्छा यहाँ कितना हो रहा है, इसको यहाँ जोड़ देता हूँ, तो ये होने लग रहा है 8 हो गया, हो जाएगा 48 साल। अब यहाँ पे 9 और 20 साल ये हो गए, 20 महीने ये हो गए। अब भाई साहब आपको पता है 12 महीने का 1 साल होता है, तो क्यों ना इसमें 1 साल बढ़ा दूँ, इसमें क्यों ना 1 साल बढ़ा दूँ, तो इस बात को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान सुनना, 49 ईयर्स और 8 महीने,
भाई ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। मैं इस चीज को नई स्लाइड पे बता देता हूँ, इस चीज को मैं नई स्लाइड पे जल्दी से लिख देता हूँ, ध्यान सुनना भाई। देखो मेरे पास जो गलत था वो कितना बना, तो आपको मालूम पड़ा 73 years 8 months, और जो सही था आपके पास वो टोटल कितना आया मैं देख के लिख देता हूँ, कितना लिखा था भाई 49 years और 8 months, ये आपके पास सही गलत। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा एक्चुअल में ये प्लस करना चाहिए लेकिन तुमने गलती से ये कर दिया तो ज्यादा बढ़ गया, तो मुझे बताओ दोनों के बीच में गैप कितना आ गया। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे गैप कितना आ गया ये एक्चुअल ईयर में, एक्चुअल ईयर में यदि गैप देखा जाए तो भाई 73। अब देखो मंथ से मंथ तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कोई फर्क समझ ही नहीं आएगा, इसको इससे माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ बच गया तो ये हो गया 6, मतलब 2, मतलब 24 साल का डिफरेंस आ गया गैप में। तो मेरे भाई एक चीज बताओ यार, एक चीज मुझे बताओ, इनका यदि हम एवरेज में डिफरेंस देखें तो कितना है। तो आप बोलेंगे सर इनका एवरेज में डिफरेंस देखा जाए तो इसका टोटल निकालें, तो भाई 36 into x, ध्यान सुनना बच्चे, यदि यहाँ पे मैं इस चीज को कैलकुलेट करूँ तो 36 into x मतलब पहले इनकी टोटल एज इतनी रही होगी, अच्छा मतलब वर्तमान में इतनी रही होगी, पहले कितनी रही होगी, तो आप बोलेंगे सर इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 32x हो जाएगा। अब मेरे भाई यदि हम इसको इससे घटा दें तो एक्चुअल में डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। तो मैं देखो ये इक्वेशन फ्रेम कर रहा हूँ कि भाई आपने 36x से पहले की कितनी थी, भाई एक बार और देख लेते हैं, पहले कितनी थी, पहले 32x थी फिर 36x हो गई, तो भाई 32x से 36x घटा दें तो यही डिफरेंस तो 24 साल के बराबर होगी, क्योंकि इसको भी इससे हमने माइनस किया, इसको इससे भी माइनस किया, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा डिफरेंस, कितना रहा 4x का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4x का है। डिफरेंस की बात कर रहा हूँ बच्चे, बड़ी वैल्यू से छोटी माइनस कर लो, बराबर कितना हो गया 24, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो भाई आसानी से ये क्वेश्चन बनने लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम जरूर गई होगी, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा सर, 6 वर्ष होगा, ठीक है। तो भाई ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन कौन सा था, हम चलते हैं वापस से इसमें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एवरेज का एक बहुत शानदार क्वेश्चन, मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन के बारे में देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अभी अच्छी ये पता कहाँ से आया ये क्वेश्चन, ये आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है भैया। हाइट एंड डिस्टेंस आपके ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंडरी पार्ट कहलाता है, आइए इसको करते हैं। देखो एक किशन भाई साहब हैं जिन्होंने 60 मीटर की एक डोरी है उनके पास, उससे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है भाई साहब, ये मान लो इनकी पतंग उड़ रही है, ध्यान सुनना बच्चे, ये इनकी पतंग उड़ रही है। अब पतंग कभी सामने तो उड़ेगी नहीं, थोड़ा तिरछा होगा खड़ा बंदा, यहाँ खड़ा है मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। अच्छा एक दूसरा पर्सन है जो आपके पास है वो सेम डायरेक्शन में उड़ा रहा है, जो कि किशन है, ठीक है भाई, किशन पता नहीं कहाँ है। When the two kites are meet each other, मतलब दोनों काइट उसकी मिल गई, मतलब एक बंदा यहाँ खड़ा था ऑलरेडी, वो अपनी पतंग उड़ा रहा था, अब दूसरे की पतंग भी इससे मिल गई, ठीक है। When the two kites meets each other, ठीक है, and the angle of inclination of strings of their kites are 30 and 45। अच्छा एक चीज समझना, एक मतलब ऐसे कहीं यहाँ खड़ा होगा, ऐसे ऐसे थोड़ा डायग्राम इस टाइप से बनने वाला है, तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, ऐसा एक डायग्राम बनने लग रहा है। अब मेन कंसर्न बता आपको क्या जाने लग रहा है कि भाई कौन पर्सन क्या है। तो जैसे मान लो ये एंगल और ये एंगल तो तुम नील लगा लोगे, क्योंकि ध्यान रखो ऑब्जेक्ट के जितने पास जाते हैं, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस के जितने आप पास जाओगे उतना बड़ा एंगल बनेगा, इसका मतलब एक एंगल 30 है एक 45 है, तो भाई इसको हम क्यों ना 45 रख दें, इसको हम क्यों ना 45 रख दें और इसको क्यों ना हम 30 रख दें, ये दोनों एंगल आपने आसानी से यहाँ पे मेजर कर लिया, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पे एंगल क्लियर है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे को ये बनने लग रहा है कि भाई किशन यहाँ खड़ा है या फिर ये किशन यहाँ खड़ा है, ये दूसरा पर्सन यहाँ खड़ा है, राइट। तो भाई साहब एक चीज बता दूं, पहले जो पोजीशन वो आपकी ये है, राइट, उसके बाद दूसरा कोई पतंग यदि लड़ा रहा है तो वो थोड़ा सा अंदर ही बैठेगा, या मैं बोलूं चर्चा में जिस बंदे को पहले बोला है, जैसे किशन का सबसे पहले तो 30 डिग्री एंगल किसके पास जाएगा, किशन के पास जाएगा, क्योंकि आपको पता है पहले चर्चा किसकी की गई है, पहले चर्चा किशन की गई है, तो 30 डिग्री किशन को पकड़ा दो। अब दूसरा भाई मोहन है, मोहन को भाई 45 डिग्री पकड़ाना ही पड़ेगा, तो 30 बाहर है, इसका मतलब किशन की डोरी ये रही, इसका मतलब इस बंदे की कितनी डोरी थी लंबाई में, 30 मीटर की डोरी थी, इसके पास कितनी डोरी थी भाई, तो आपको मालूम पड़ा ये 30 मीटर की डोरी इस बंदे ने यूज कर रखी थी, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लूँ यार,
तो ये आपके पास कितनी मीटर की है, 60 मीटर की। अब मुझे ये पता करना है इसकी डोरी कितनी लंबी थी। तो भाई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सभी लोग जान लें, क्या कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट, बस तीन बातों पर चलता है। ये तीन बातें कौन सी हैं कि कभी भी यदि आपके पास, यहाँ चलता हूँ मैं एक और स्लाइड लेकर समझाता हूँ, तीन बातें आपको ध्यान रखना है। ये तीन ट्रायंगल पे आपके पास ये पूरा टाइम हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। मैं आने वाले टाइम पे एक हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत शानदार वीडियो बनाने वाला हूँ। तो देखो, जब भी आपके पास एंगल, जब भी एंगल 30 डिग्री है, तो याद रखो ये एक होता है, ये रूट तीन होता है और ये दो होता है। ये रेशो याद कर लो, फिक्स कर लो अपने दिमाग में। अच्छा, यदि 45 होगा तो सर क्या याद रखना है, 45 होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, रूट दो यहाँ होगा, याद कर लो, फिक्स है ये बातें। अच्छा, 60 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, तो 60 में रूट तीन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, दो यहाँ होगा। ये तीनों रेशो आप दिमाग में बिल्कुल 100% छाप लो। तो अब मेरे भाई मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे इस वाले क्वेश्चन में क्या हम 30 डिग्री का कोण देख रहे हैं? तो 30 डिग्री का यदि मैं डायग्राम यहाँ पे बनाऊँ, ध्यान सुनना बच्चे, 30 डिग्री का यदि डायग्राम यहाँ बनाऊँ तो मेरे भाई यहाँ पे बनेगा एक, यहाँ बनेगा रूट तीन और यहाँ बनेगा दो। तो मैं ये नहीं बोल सकता क्या, भाई कि ये जो वैल्यू दो यूनिट है ये एक्चुअल में 60 के बराबर है, क्योंकि हमारे पास इस वैल्यू को 60 बताया गया है। तो भाई साहब ये 60 के बराबर है, ये 60 के बराबर है कि नहीं? अब यदि ये 60 मीटर के बराबर है तो भाई एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दो की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू 30 हो गई। तो मेरे भाई आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट कितनी पता कर ली, 30 मीटर। समझ गए कैसे निकला 30 मीटर। अब यदि ये 30 मीटर है तो मुझे बताओ ये 45 डिग्री का कोण होता है। यदि 45 डिग्री का यदि कोण होता है तो मेरे भाई ये बताओ ये एक और ये एक होता है कि नहीं होता है, और ये रूट दो होता है कि नहीं होता है। तो मुझे बताओ यदि ये 30 है तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो भी 30 होगी, और मुझे बताओ ये हाइपोटेन्यूस है इस लंबाई, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का, तो भाई इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे सर 30 रूट दो हो जाएगी, अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो 30 रूट दो मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे मतलब देखा जाए, कम कमेंट यदि किसी क्वेश्चन में आए थे मेरे पास तो भैया यही क्वेश्चन था। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार टेक्निक है। आपको बस सिंपली ये तीन बातें याद रख लेना है। यदि जिस बच्चे ने ये तीन बातें याद रख ली उसके लिए ये हर क्वेश्चन आसान है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी स्टूडेंट को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे भाई कि ये जो सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहे कि नहीं आ रहे। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझ तक अपनी आवाज़ ज़रूर पहुँचाएँ। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत शानदार आपसे पूछा गया था, तो ना हम उस क्वेश्चन को भी आपसे डिस्कस कराते हैं, ठीक है। तो भाई ये हमारा सैटरडे तक का क्वेश्चन है, राइट। अब 11 तारीख का क्वेश्चन देख लो आप, राइट। 11 तारीख का, वैसे 12 का भी मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए, तो चलो कोई नहीं, क्योंकि ये तो फ्राइडे तक हो जाएगा, ठीक है। मैंने सॉरी उसमें ऐड नहीं किया, चलो मैं 12 का फिर अगले वाले वीडियो में शेयर करा दूंगा, ठीक है। तो ये 11 तक आप समझ लो, 12 का फिर मैं अगले उसमें सिखा दूंगा, मेरे को ध्यान नहीं रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सीख लो आज। अब क्या बोल रहे हैं, आ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल ऑफ इट्स इन 5 ईयर्स। बहुत सुंदर सा टेक्निक है। सुनो, आज तुम्हारे पास एक रुपया है, सुनना ध्यान से, आज तुम्हारे पास एक रुपया है, वो बोलता दो गुना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा इसका मतलब दो रुपये बन जाएगा। लेकिन भाई साहब कितने साल में बनेगा ये ऐसा कितने साल में होता है? वो क्वेश्चन बोलता सर ये 5 सालों में होता है। कितने सालों में होता है? 5 साल। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई साहब जो आपको 5 साल में जो दो गुना पैसा मिल रहा है उसको अगले 5 साल और इन्वेस्ट कर दो, अगले 5 साल और इन्वेस्ट कर दो, तो भैया दो गुना फिर से हो जाएगा, ये दो गुना फिर से हो जाएगा कि नहीं? तो दो गुना फिर से हो जाएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर अब ये 4 रुपये बन जाएगा। लेकिन यदि मैं 4 रुपये जो हासिल कर रहा हूँ भैया 10 साल के बाद, यदि उसको मैं अगले 5 साल और यदि इन्वेस्ट कर दूँ तो फिर से ये अपने आप का दो गुना हो जाएगा, तो भाई 8 रुपये बन जाएंगे। और मेरे प्रश्न का यही उत्तर है कि भाई इसने बोला है 8 गुना कितने वर्षों में होगा, तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना वर्ष लग रहा है? तो 5-5 साल के 3 हैं भाई, तो 5 × 3 इसका मतलब 15 वर्षों में ऐसा पैसा बन जाएगा। मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 15 ईयर्स विल बी द राइट आंसर। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, बहुत शानदार क्वेश्चंस आप सभी लोग भी मेरे को लगता है ट्राई कर रहे होंगे, राइट। और कई सारी चीज़ें आपको समझ भी आ रही हों, ठीक है।
तो चलिए भाई, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब आपके साथ डिस्कस करा दिए हैं। बस यही है कि मैंने एक क्वेश्चन रह गया मेरा, सैटरडे वाला क्वेश्चन नहीं ले पाया हूँ मैं, मेरे को ध्यान नहीं रहा उसको, राइट। तो भाई हमने आज हमने संडे से लेके फ्राइडे तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं या 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। तो इन 6 क्वेश्चन को हमने लगा लिया है, 1/7वां क्वेश्चन रह गया, वो अगली वीडियो में हम आपको डिस्कस करा देंगे। भैया वीडियो में कैसा लगा प्लीज़ एक बार लाइक करके ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो में मज़ा आ रहा है तो भैया इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जो क्वेश्चंस मैं हम आपको रोज़ाना दे रहा हूँ, कृपया करके उन क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स पर ज़रूर शेयर करें, सो दैट वो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रीच हो जाएं, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंच जाएं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भैया सब्सक्राइब बिना किए बिना नहीं जाना है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ऑल्सो, राइट। तो चलिए भाई आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, बढ़िया से आपने सारी चीज़ें जानी, थैंक यू सो मच। आप जुड़े हैं भैया मैथ्स बाय अनिल सर्च यूट्यूब चैनल पर, राइट, चैनल का नाम तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, और जुड़े रहिए भैया सारे क्वेश्चंस के साथ जो रोजाना आपसे पूछता रहे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।